हाय गाइस एंड गुड इवनिंग। आज मैं आप लोगों के साथ दूसरा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये जो रेसिपी है ये मालपुआ है। हम बंगाली लोगों की बहुत फेवरेट होती है मालपुआ। तो चलिए इसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए बनाने के लिए और कैसे बनाते हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं कुछ सूजी है जो मैंने एक घंटा पहले भिगो के रखा था। अभी पूरा ये एकदम रेडी हो गया बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक कप सूजी ले लिया था और चाहिए राइस फ्लावर जो यहाँ पर मैंने रखे थे, चावल की जो आटे होते हैं ना वो मैंने रख दिया रेडी करके। और ये चाहिए मैदा, यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा ले लिया है। और यहाँ पर है जैगरी, 500 ग्राम है यहाँ पर। मेरी क्वांटिटी के अनुसार मैंने लिया है, तो आप लोगों की क्वांटिटी के अनुसार लीजिए। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम गुड़ ले लिया। और चाहिए इसको फ्राई करने के लिए जो ऑयल चाहिए, आप कोई भी रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। मैंने यहाँ पर ये वाला ऑयल ले लिया। तो सब इंग्रेडिएंट्स तो मैंने दिखा दिया, अभी मैं दिखाती हूँ अभी सबको क्या करना है ना। एक एक करके जो सूजी यहाँ पर भिगो के रखा उसमें डाल देना है। तो यहाँ पर है मैदा जो मैं डाल दिया, और ये जो चावल की आटा है ना वो भी मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। और ये गुड़ जो मैंने लेके रखा ये यहाँ पर डाल दे रही हूँ। और ना आप लोग जब बनाएंगे ये बहुत ही केयरफुल रहना है कि इसमें मिठास, मतलब प्रॉपर मीठा होना चाहिए। अगर ये मीठा नहीं होगा ना खाने में उतना टेस्टी नहीं होगा। तो फिर इसीलिए ये जो पहले आप लोग ये इसका एक बैटर रेडी कर लीजिए, उसके बाद इसे थोड़ा चेक कर लीजिए इसमें मिठास और चाहिए तो फिर दूसरा, मतलब दूसरी बार यहाँ पर ऐड कर सकते हो आप कुछ भी जैगरी। या फिर आप लोगों के पास जैगरी अवेलेबल नहीं है तो शुगर की साथ भी आप इसे बना सकते हो। तो चलिए मैं इसे दिखाती हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। पहले आपको ना गुड़ के साथ सारी चीज़ों को थोड़ा मिक्स कर लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है। तो फिर मैं इसे ना अभी थोड़ा हाथों से ही मैश कर रही हूँ। मुझे ज़्यादा पसंद है हाथों से करना, ये बहुत अच्छी तरीके से होता है हाथों से करने से। आप लोग भी पहले थोड़ा ऐसे सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, उसके बाद धीरे धीरे इसमें पानी ऐड कीजिए। ये देखिए, अभी तक मैंने ना इसमें वाटर ऐड नहीं किया, तो अभी मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें वाटर डालूंगी। एक ही साथ में आप लोग वाटर मत ऐड करना इसमें, तो फिर क्या होगा ना इसका जो कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा पतला हो जाएगा, तो अच्छा मालपुआ नहीं बनेगा। और मैंने इस पे जो कपूर होती है ना जो हम लोग भगवान को भोग में चढ़ाते हैं वो भी थोड़ा सा एक पिंच ऐड कर दिया है इसमें ना, उसका टेस्ट मतलब बहुत अच्छा एक एरोमा निकलता है, अच्छा लगता है। तो देखिए अभी मैं इसे मिक्स कर रही हूँ। और हाँ, जो गुड़ आपने डाली है ना आपको ये बहुत ही अच्छे से केयरफुली देखना है कि इसमें कोई लम्प्स ना रहे, ये बहुत अच्छे से मैश होना चाहिए। कोई भी लम्प्स होगा तो अच्छा नहीं बनेगा हम लोगों का मालपुआ। तो चलिए मैं इसे मिक्स करके आप लोगों को उसका कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ। देखिए इसकी जो कंसिस्टेंसी है ऐसी रहना चाहिए ना, ये बैटर बहुत ज़्यादा पतला होगा ना बहुत ज़्यादा ठीक ही होगा, तो इसी कंसिस्टेंसी में आप लोगों को रखना है। तो मेरा बैटर तो बनके रेडी हो गया, अभी मैं इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ दूंगी, उसके बाद मैं इसको बनाना स्टार्ट करूंगी। चलिए मैं आफ्टर 5 मिनट आप लोगों से मिलती हूँ। लोहे का कढ़ाई ले लिया। एक्चुअली हम लोग मालपुआ जब बनाते हैं ना इसी छोटी सी कढ़ाई में बनाते हैं, तो ये अभी गर्म हो गया है, इसमें अभी मैं ऑयल दे रही हूँ। ऑयल ना कुछ ज़्यादा ही चाहिए क्योंकि इसे डीप फ्राई करना है, जो मालपुआ है ऑयल में ही तलना है उसे, तो इसीलिए ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल चाहिए। मैंने इतना सा ऑयल ले लिया। अब जब ये ऑयल गर्म हो जाएगा उसके बाद मैं वो तलना स्टार्ट करूँगी, पहले इसे गर्म होने देती हूँ।
है ना, ये देखिए अभी गर्म हो गया। अभी जो बैटर हमने रेडी करके रखा था वो एक एक करके डाल देंगे। उसके बाद मैं सारी नहीं दिखाऊंगी, दो तीन आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी जो मालपुआ है बन के रेडी हो गई है। अभी मैं सबको सर्व करूंगी। एक्चुअली मेरे घर में गरम गरम सिर्फ मम्मी पापा को पसंद है, और हम जो भाई बहन है ना, हम लोगों को थोड़ा ठंडा होने में ही खाने में पसंद है। तो फिर पूरा रेडी हो गया, देखिए कितना खिला खिला है और बहुत ज़्यादा नरम है, देखिए कितना सॉफ्ट है। अच्छा लगा ना आप लोगों को मेरी रेसिपी? और आप लोग ट्राई ज़रूर करना ऐसे बनाना, और बना के देखना कैसा होता है। मुझे कमेंट में ज़रूर बोलना कि कैसे हुआ है मेरी ये रेसिपी। आप लोगों को अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। तो ठीक है, मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। टाटा।